नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी स्मार्ट वॉच को और अपने ब्लूटूथ हेडसेट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो ये करना काफी आसान है, लेकिन जब भी आप अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करते हो ना पहली बार, तब आपको यहाँ पे ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाकर यहां से उसे पेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी स्मार्ट वॉच है उस स्मार्ट वॉच का एक पर्टिकुलर ऐप होता है। जैसे बात करेंगे रियलमी वॉच, तो रियलमी वॉच के लिए होता है एक ऐप रियलमी लिंक, ठीक है। अगर आप बोट की कोई वॉच यूज कर रहे हो तो उसके लिए होता है बोट वेव, बोट प्रो गियर, बोट वेरिएबल। अगर आप नॉइस की वॉच यूज कर रहे हो तो उसके लिए होता है नॉइस फिट ऐप। तो अलग अलग वॉच के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे ऐप होते हैं। आपको उन ऐप में जाकर ही अपने स्मार्ट वॉच को पेयर करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, यहां से नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अभी जब भी पहली बार आप कनेक्ट करोगे अपने स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन के साथ, तो यहां पे मैंने ब्लूटूथ को ऑन भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस ऐप को ओपन करना पड़ेगा। ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो वॉच है स्विच ऑन होनी चाहिए, ठीक है। पेयरिंग नहीं की है लेकिन स्विच ऑन होनी चाहिए इस तरीके से। इसके बाद यहां पे जिस किसी ऐप में होता है अलग अलग होता है, किसी में होता है एड डिवाइस, पेयर डिवाइस, प्लस का साइन होता है, तो यहां पे प्लस का साइन, तो मैं यहां पे टैप करूंगा इसे ऐड करने के लिए। और फिर यहां पे आपको पूछा जाएगा कि अभी आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है, तो हम यहां पे करेंगे टर्न ऑन, ठीक है। इसके बाद यहां पे स्कैनिंग होगी और आपकी वॉच का नाम यहां पे आ जाएगा, आपको उस पर टैप करना है और यहां पे कनेक्ट होगी, ठीक है। इसके बाद यहां पे नोटिफिकेशन भी आ जाती है वॉच में, आपको यहां पे टैप करना है टिक पे और यहां पे बाइंडिंग हो रहा है। और यहां पे एक नोटिफिकेशन आएगी ब्लूटूथ की कि आपको पेयर करना है, लेकिन आपको यहां से पेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको यहां पे कैंसिल करना है। तो अगर आप पेयर कर देते हो तो यहां पे ये सेटिंग्स में यहां पे पेयर हो जाएगा, लेकिन यहां से आपको पेयर नहीं करना है, इसलिए हमने यहां पे कैंसिल किया है। अब हम करेंगे यहां पे गेट स्टार्टेड और जो भी परमिशन हमें देनी है हम यहां पे दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो यहां पे सिंकिंग हो रहा है और यहां पे जो वॉच है कनेक्ट हो चुकी है स्मार्टफोन के साथ। बस आपको इस तरीके से ही पहली बार सेटअप करना पड़ता है अपनी वॉच को, ठीक है। आपको यहां पे जाके ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाके यहां पे आपको पेयर नहीं करना पड़ता है, तब जाके आप स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ हेडसेट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक साथ यूज कर सकते हो। तो अब हमने यहां पे कनेक्ट कर लिए वॉच को, आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, वॉच कनेक्ट हो चुकी है। अगर मुझे म्यूजिक प्ले करना हो यहां से तो आप देख सकते हो मैं यहां से म्यूजिक को प्ले कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मुझे कंट्रोल करना हो म्यूजिक को तो आप यहां पे देख सकते हो मैं यहां से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी वॉच तो पहले से ही कनेक्टेड है ही, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे जाना है क्विक पैनल में और जो ब्लूटूथ की सेटिंग्स होती है यहां पे लॉन्ग टैप करना है और यहां पे ब्लूटूथ की सेटिंग्स यहां पे ऑन हो जाएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी और आपका जो ब्लूटूथ का जो होगा ना इसका नाम यहां पे शो करेगा। इसके पहले आपको यहां पे इसे पेयरिंग मोड में ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, इसे ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से, जो भी आपका हेडफोन होगा जिस तरीके से ऑन करना पड़ता है उस तरीके से आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद मान लो अगर ये वन प्लस का है तो यहां पे नाम होगा वन प्लस, ठीक है, जो भी आपका हेडफोन होगा उस तरीके से आपको फिर यहां पर टैप करना है। अब यहां पर कनेक्ट होगा और आप यहां पर देख सकते हो ये अभी कनेक्ट हो चुका है। तो यहां पर जो मेरे हेडफोन है ये भी कनेक्ट हो चुके हैं और जो स्मार्ट वॉच है ये भी कनेक्टेड है, तो दोनों एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे यहां पे, अब मैं अगर म्यूजिक प्ले करूंगा, म्यूजिक यहां पे प्ले हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे प्ले नहीं हो रहा है, यहां पे प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे वॉल्यूम फुल कर दूं तो अगर माइक के साथ आपको यहां पे तो आपको पता चलेगा यहां पे कि यहां पे म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप यहां पे सुन सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो म्यूजिक है ना वॉच के साथ सहारे से, मतलब वॉच के सहारे से यहां पे कंट्रोल करूंगा, ठीक है, मतलब हम यहां पे अब दोनों एक साथ यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे करना हो नेक्स्ट तो नेक्स्ट हो चुका है, यहां पे नेक्स्ट हो चुका है, ठीक है। वॉल्यूम को कम कर सकता हूं मैं यहां पे, वॉल्यूम को भी मैक्सिमम कर सकता हूं यहां से, तो अब यहां पे म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब आपको यहां पे म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए फोन को भी टच करने की जरूरत नहीं है और आपके हेडफोन को भी टच करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से अपने स्मार्ट वॉच से ही म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो अगर आपके स्मार्ट वॉच में ये फीचर है तो, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर दोनों एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहां पर मान लो आपको ब्लूटूथ को डिसकनेक्ट करना हुआ तो आपको यहां पर ब्लूटूथ को डिसकनेक्ट नहीं करना है, यहां पर इसे ऑफ नहीं करना है।
आप यहां से इसे ऑफ कर दोगे तो आपकी वॉच भी यहां पे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसकी जाना है सेटिंग्स में और फिर यहां से जो जो भी आपका हेडफोन होगा उसके नाम पे आपको टैप करना है, तब जाके ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी वॉच यहां पे कनेक्टेड ही रहेगी, जैसे आप यहां पे देख सकते हो यहां पे आपकी वॉच कनेक्टेड है, ठीक है, फोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप यहां पे अपनी वॉच को और हेडफोन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि अभी मुझे वापस करना है हेडफोन को कनेक्ट, तो यहां पे तो एक बार आप पेयर करते हो अपने हेडफोन को तो यहां पे तो नाम हो ही जाता है, तो बस आपको वापस इस पे टैप करना है हेडफोन के नाम पे, तो वापस ये कनेक्ट हो चुका है और अब आप वापस यहां पे दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में, आप यहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, इस तरीके से आप अपने कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अपने किसी भी स्मार्ट वॉच को और ब्लूटूथ हेडसेट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो फोन के साथ। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।